विजय कुमार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट व्यापार मंडल उधमपुर। जैसा कि सबको मालूम है पूरे देश में कोरोना महामारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है, तो उसी के चलते हमारे उधमपुर में भी जिसके काफ़ी केस आ रहे हैं, दिन ब दिन केस ये बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि इस वीरवार शाम को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उधमपुर में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया था, जो कि कल सुबह 6 बजे तक था। अब लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन था कि उधमपुर सोमवार के बाद उधमपुर की मार्केट खुलेगी या नहीं खुलेगी, या ये कर्फ्यू एक्सटेंड होगा। तो उसको मैं थोड़ा आपके मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने अभी कोई 1 घंटा पहले ऑर्डर निकाला है, उसमें ये मेरे पास ऑर्डर है, इसमें मोबाइल में है, इसमें लिखा गया है कि ये जो ऑर्डर है कल 3 तारीख से 9 बजे 9 तारीख तक लागू रहेगा। तो इसके तहत जो दूध की दुकानें हैं वो हर रोज़ सुबह 6 से 10 बजे तक खुला करेंगी, और उसके साथ ही जो होलसेल सब्जी मंडी है वो सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक खुलेगी, और जो फ्रूट और वेजिटेबल रिटेल दुकानें हैं वो भी हर रोज़ सुबह 8 से दोपहर को 2 बजे तक खुलेंगी। उसके अलावा जो ग्रासरी और किराने की दुकानें हैं तो वो सोमवार बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। ये डिप्टी कमिश्नर उधमपुर का ऑर्डर है। इसके साथ ही जो दवाइयों की दुकानें हैं वो हर दिन 24 घंटे खुला करेंगी, ये आज जो ताज़ा ऑर्डर है उसके मुताबिक। तो ये डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने ऑर्डर निकाला है, तो हम तो चाहते हैं कि जो ज़रूरी किसी को हो तभी वो बाहर निकले। अगर किसी के घर में राशन है ऐसे बिला वजह मार्केट में कोई भीड़ भाड़ ना फैलाएं और कोरोना को खतरे को भांपे। ये जो कोरोना है ये पिछले साल से इस साल का जो कोरोना ये ज़्यादा खतरनाक है। आप देख रहे हैं कि हर दिन कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं। तो इसको ऐसे मामूली ना लें, इसको बड़ी गंभीरता से लें और हर चीज़ का पालन करें, मास्क पहने और बाज़ार में राशन फैलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और मेरी ये सबसे अपील है कि इस महामारी को ऐसे मामूली ना समझे, इससे बचाव रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें, अपने घर में रहें।